सिंह साहब की जो बात इन्होंने अभी की थी थोड़ी देर पहले, उसको रिट्रेट जी करना चाहूंगा कि इन्होंने फरमाया कि अहमदी जो है वो किताबें बिल्कुल खोल के नहीं देखते। और मजे की बात ये कि मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था इसके ऊपर कि मैंने भी जब 2018 में हालांकि छोड़ दिया अहमदियत को बिल्कुल, तो उसके बावजूद ये जब तक निदा और नसर का वाकया नहीं हुआ उस वक्त तक मैंने भी मिर्ज़ा साहब की कोई किताबें नहीं खोल कर देखी। बल्कि मैं यूँ समझ लें कि मिर्ज़ा साहब को जिस तरह से वो कुछ लोग कहते हैं ना जी सूफी बुजुर्ग हैं, मैं सिर्फ ये कहता था ठीक है वो सूफी बुजुर्ग होंगे हैं वो, उन्होंने अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, लेकिन ये कि चूंकि वो नबी नहीं है इसलिए मेरा उनको मानना जरूरी नहीं है। और जब शेख साहब से मुझे मैं अभी देख रहा था अपने टेक्स्ट 2022 जनवरी में पहली दफ़ा मैंने बात करना स्टार्ट की, तो जैतून चैनल का जो सबसे बड़ा रोल ये रहा है कि निदा उन नसर के बाद जो वीडियोस आई हैं आपके चैनल पे उससे मेरी फैमिली को बहुत मौका मिला, मेरी वाइफ को बहुत बातें समझ आई, फिर हमने मिर्ज़ा साहब की किताबें खोल कर देखनी शुरू की, उसमें हमें पता चलना शुरू हुआ कि वाकई के किस अंदाज से ये बातें लिखी हुई हैं। जी जी आसिफ, आप लोग इससे पहले ये प्रोग्राम करते रहे हैं, रेडियो प्रोग्राम करते रहे हैं। अब जी आप जी जी अंदाजा करें कि आप बीइंग ए होस्ट, लोगों की बातों का जवाब देना और लोगों को इस तरफ बुलाना, जी किसकी तरफ बुलाना, जिस शख्स की तरफ बुला रहे हैं उसका पढ़ा ही नहीं आपने, कुछ जानते ही नहीं, और आप सवालों के भी जवाब दे रहे हैं और आप लोगों को भी बुला रहे हैं। जस्ट जी इमेजिन। जी बिल्कुल, मतलब ये सवालों के जवाब तो मैं नहीं देता था, लेकिन मैं सिर्फ लेकिन सवाल मैं लिया बात करता करता था। हूं जो बैठे हाँ हुए ये आपके बिल्कुल, साथ, हाँ जी मतलब पैनलिस्ट साथ। सारे, बिल्कुल जी पैनलिस्ट सारे जवाब दे रहे हैं, जी लेकिन वही तासुर है ना शेख साहब के, वो जो लोग जवाब दे रहे हैं हमारे दिलों में तो यही होता है कि उन्होंने पढ़ा हुआ, ठीक है, तो वो अब उन्होंने कितना पढ़ा हुआ है कितना नहीं पढ़ा हुआ ये तो खुदाई बेहतर जानता है। कुरान की तालीम, अब मैं वो एक दिन वो सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, आज खुल जी रहा है ना ये फारूक, जो अभी बार बार जी अपना जी सर पीट रहा हाँ है जी कि मुरब्बी लोग आते क्यों नहीं हैं, हम बात कर रहे हैं, मिर्जा साहब की तारीख पैदाइश को सही क्यों नहीं करते, मेरा जी जी मकसद जी अगर पढ़ा हो, कुछ उन्हें समझ आई हो तो आए ना। यही बात है। नहीं वो पढ़ते मिर्ज़ा साहब को भी पढ़ें और मैं कहता हूँ कुरान को भी पढ़ें, क्योंकि कुरान में एक बड़ी वाज़े आयत है जिसमें अल्लाह ताला कहता है कि लोग जो हैं जो अपनी तरफ बुलाते हैं वो गलत करते हैं, क्योंकि सीधी राह जो है वो सिर्फ खुदा ताला की तरफ की राह है। तो मैं जब ये सोचता हूँ, मैंने जब ये आयत को पहली दफ़ा पढ़ा और मैंने सोचा कि क्या मैं रेडियो अहमदिया पे होस्टिंग किया करता था तो मैं जो हूँ इन लोगों में शामिल था, मैंने इतना अस्तग़फ़ार किया उस दिन कि ये तो आयत मेरी नज़र से गुजरी ही नहीं इस अंदाज से। मतलब ये मज़े की बात ये है कि कुरान की आयत जो हैं वो आप जिस तरह से आपने वो अभी बताया ना कि उंगली रख के गुजर के उसका भी सवाब ले रहे होते हैं, तो हम लोग बस वैसे ही होते हैं सारे के सारे कि जी हम सवाब की खातिर पढ़ लेंगे, इतने अल्फाज पढ़ेंगे इतना सवाब मिलेगा, तो इसकी किसी की तो तवज्जो नहीं होती कि चलें जी आप जरा समझने की कोशिश तो करें। तो अब सही। मैं सूरह लुकमान उस दिन पढ़ रहा था, सूरह लुकमान पढ़ के मैं अपने ऊपर जब रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा था तो मेरा दिल हिल के रह गया। मैंने कहा ये क्या हो क्या रहा है, हम तो आबाओ अजदाद के मजहब पे लगे हुए थे, आबाओ अजदाद ने अगर गलतियां की हैं, सूरह लुकमान में लिखा हुआ है कि अगर आबाओ अजदाद को शैतान ने बहका दिया तो तुम उनके पीछे ही लगे रहोगे, वो बहुत खुदा का कलाम जो है ना वो बहुत डराने वाला है। जी अल्लाह ताला इन लोगों को तौफीक दे तो कि वो इसको समझने की बिल्कुल कोशिश।